नाज़रीन, आम तौर पर ये हम सभी सुनते हैं कि ज्यादा नमक का इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसी वजह से खानों में नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि इन तमाम हदायात को मानने से इनकार कर देते हैं और नमक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और इस वजह से सेहत के कई मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं। मगर ये एक हकीकत है कि नमक हमारे लिए जरूरी होता है और इसका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर तर्क कर देने से इंसान कई मसाइल का शिकार हो जाता है। आज हम आपको अपनी स्टोरी में इन तमाम मसाइल के हवाले से बताएंगे जो कि नमक का इस्तेमाल खत्म कर देने से होते हैं। नंबर एक पर आता है वजन में तेजी से इजाफा। आयोडाइज्ड नमक का इस्तेमाल हार्मोन को मतवाजन रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर नमक का इस्तेमाल खत्म कर दिया जाए तो इससे हार्मोन का निजाम बुरी तरह से मुतासर होता है और जिस्म परबही की जानिब माइल हो जाता है। जिल्द खुश्क हो जाती है और हड्डियों और पट्ठों में दर्द की शिकायत होने लगती है। नंबर दो पर आता है दिल के लिए नमक का ना इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। सोडियम की मौजूदगी दिल की कारकर्दगी के लिए बहुत बेहतर होती है, लेकिन यह सिर्फ इन्हीं अफराद के लिए बेहतर होती है जिनका दिल सेहतमंद होता है। सेहतमंद दिल के हामिल अफराद के लिए खाने में मुतअद्दल मकदार में नमक बेहतरीन साबित होता है और इसकी गैर मौजूदगी दिल को कमजोर कर सकती है। नाज़रीन, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज अगर नमक का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क करते हैं तो उनकी जिंदगी खतरे में आ जाती है, खतरे में इजाफा हो जाता है। सोडियम की मौजूदगी में इंसुलिन को काम करने की सहूलत फराहम होती है और इसकी गैर मौजूदगी के सबब इंसुलिन के खिलाफ मुज़ाहमत में इजाफा होता है, जिसके सबब जिस्म में शुगर लेवल में इजाफा होता है और जिस्म के शुगर में और हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला होने के इम्कानात में इजाफा हो जाता है। पानी की कमी का शिकार हो जाते हैं अगर आप नमक को तर्क कर देंगे। जिस्म में जब सोडियम लेवल कम होता है तो इंसान इन्हीं अलामात का शिकार हो जाता है जो कि पानी की कमी की सूरत में होते हैं। इसके सबब मुंह खुश्क होता है, प्यास लगती है और इंसान सुस्ती महसूस करता है। इसके अलावा पेशाब कम आना शुरू हो जाता है। ये तमाम अलामात पानी की कमी की भी हो सकती हैं। मतली का होना नमक के इस्तेमाल को खत्म करने का बराह रास्त असर कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है, जिसकी वजह से जिस्म के दीगर हिस्सों के साथ साथ दिल भी मुतासर हो सकता है। और इससे जो अलामात सबसे ज्यादा मुतासर होती हैं वो मतली और कह का होना होता है। अब आपके सामने मैंने तमाम माजरा रखा है कि अपनी रोज़मर्रा की जो खुराक होती है आपकी उसके अंदर से नमक को माइनस ना करें, क्योंकि अगर आप नमक को अपनी खुराक से माइनस कर देंगे तो आपको ब्लड प्रेशर का मसला हो सकता है और जिसके साथ साथ आपको शुगर भी ज़्यादा हो सकती है, दिल के मरीज हो सकते हैं, आपका मोटापा हो सकता है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे डॉक्टर्स आपको ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नमक का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि अगर नमक आप नहीं खाएंगे तो तमाम मसाइल में आप घिर सकते हैं और बीमारियां भी बहुत ज्यादा लाहक हो सकती हैं। लेकिन नमक का इस्तेमाल जो है वो कम मिकदार में करें। अगर कम मिकदार में करेंगे, मुतअद्दल तरीके से नमक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिंदगी में कोई भी मसला नहीं आएगा। बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह होता है और बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल भी नुकसानदेह होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर चीनी और नमक को अपनी जिंदगी से हम निकाल देंगे तो हमारी जिंदगी सुकून में आ जाएगी और हम लोग जो है वो मोटे नहीं होंगे। लेकिन माहरीन ये कहते हैं अगर नमक आप अपनी जिस्म से खत्म कर दें तो आप जो है बहुत जल्द मोटे हो जाएंगे। आयोडीन का इस्तेमाल आपकी जिस्म को पतला रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपके जिस्म में खून की रवानी को ठीक रखता है आयोडाइन नमक। अब स्टोरी आपके सामने हमने रखी है और जिन जिन लोगों ने नमक को छोड़ा हुआ है वो नमक का दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दें। स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।